सो गाइस, आज की शुरुआत करते हैं चाय के साथ, लेकिन चाय मैंने पी ली है फिलहाल। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, और इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। तो यार, आज मैं सुबह टाइम पर उठ गया था, करीब करीब 7 बजे के आसपास उठ गया था। उसके बाद मैं फ्रेश फ्रेश हुआ, उसके बाद जो है पीछे आप देख सकते हो, साफ़ सफाई की, झाड़ू वाड़ू लगाया, थोड़ा साफ़ सफाई की, और उसके बाद नहाया धोया, अब जाके चाय पी है मैंने। वैसे मैं सुबह चाय पीना पसंद नहीं करता, मतलब ये है कि नाश्ते के साथ ही मुझे ठीक लगता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी बजे का श्राद्ध है। मतलब अब आप ये पूछेंगे कि बजे क्या है, तो यार दादी बोला जाता है, वैसे नेपाली जो कल्चर होता है उसमें बजे बोला जाता है दादी को। तो आज श्राद्ध है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, आज नवरात्रि का 5वां दिन है, तो नवरात्रि में भी श्राद्ध होते हैं। तो पंडित जी से पूछेंगे इसका क्या है, जो होता है ना, अब उन लोगों के शास्त्रों में क्या कुछ लिखा है वो तो वही बताएंगे, तो उनसे पूछेंगे ज़रूर। तो आगे अभी आज पूरी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग श्राद्ध यहाँ पर करते हैं। तो मौसम की बात करें तो बिल्कुल मेरे आंखों में आप देख सकते हो कि मेरे बिल्कुल सामने सूर्यदेव हैं, और बहुत ही तेज़ आंखों में लग रहे हैं, और मौसम तो आप देख ही सकते हो, फर्स्ट क्लास हो रखा है, बिल्कुल नीला मौसम। तो इस तरह का है आज कुछ दिन। तो अभी चलते हैं, कुछ करते हैं काम। फिलहाल अभी मैं आया हूँ, ये देख सकते हैं बेड़ू के पत्ते, इनको लेके जाना है मुझे, और सारे सामान जो है, जो पंडित जी जब पूजा करते हैं तो इसी को नीचे रखते हैं, इसी में सारा सामान रखा जाता है। ये टूट गया तो मैं गया। तो यार फाइनली पहुंच चुका हूँ पेड़ के ऊपर। अभी मैं पेड़ पे ही हूँ, तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देख रहे हो, इसमें दूध जैसा आपको दिख रहा होगा कुछ, अभी दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो, हल्का सा दिख रहा होगा आपको, तो इस टाइप का दूध जैसा इसमें से पानी निकलता है, काफ़ी शुद्ध माना जाता है इसको। फिलहाल तो यार 20-21 पत्ते हो चुके हैं अपने पास, चल जाएगा काम। गाइस, एक और खुशखबरी है, गीजर लग चुका है हमारा। तो यार पता पहले क्या परेशानी होती थी हम लोगों को गीजर का, तो यह है कि यार मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ठंडा हो गया या गर्म हो गया तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग केतली में पानी उबाल के हम लोग उसको पानी बनाते थे ना, जो ठंडे गर्म को एकदम मिक्स करके बढ़िया था, तो कभी क्या हो जाया करता था कि यार ज़्यादा ठंडा हो जाया करता था, तो अब कहाँ से लेके आए गर्म पानी। तो इसके लिए बहुत सही हो चुका है अभी फ़िलहाल। दूसरी खुशखबरी यह है कि वॉशिंग मशीन भी लग चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो, और थोड़े कपड़े वपड़े रखे पड़े हैं इसमें, तो ये काम चलाओ बनाया हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए, तो ये पूरा अभी ढंग से नहीं किया है, इसमें ऐसे काम चलाओ है अभी। तो यार फिलहाल अभी क्या काम चल रहा है वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, कौन कौन आ चुका है अभी घर में, क्योंकि आज पूरी फैमिली आएगी यहाँ पर, जो जितने भी हम लोग पूरी फैमिली है ना हमारी, वो आती है, जो श्राद्धों में आप लोग को पता ही है। और ये देख सकते हो, सबसे पहले तो ये है हमारी भौजी। तो ये क्या पीस रहे हो आप, ये लाई है, लाई या राई? राई 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 रायता बनाने के रायता लिए। बनाने के लिए ना। तो ये पीसा जा रहा है सिलबट्टे में, चलो अब ले चलते हैं आपको दूसरी साइड। तो फिलहाल यहाँ हेलो बोल दो। तो यहाँ पर गूंदा जा रहा है आटा, और यहाँ चल रहा है सब्जी कटान, यह हमारे अमन भैया, हेलो बोल दो। हाय गाइस, क्या हो रहा है? तो सब ठीक ठाक है, सब्जी काट यार रहे हैं। आप ये पूछोगे अमन भैया कौन है, अमन भैया वो हैं अप्पू के पापा हैं, तो अब आप समझ गए होंगे। तो यह है हमारे जग्गू दाई, हेलो बोल दो जग्गू दाई। तो वैसे इनको महाराज जी बोलते हैं, लेकिन महाराज की जो कहानी है वो कभी किसी और दिन रिवील करेंगे आप लोग से। और यह है हम मेरा भाई सूरज। तो फिलहाल कटाई चल रही है और मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो यार अभी जस्ट एक और डिमांड आ चुकी थी कि हरी ककड़ी चाहिए,
अभी इस वक्त जो है हमारे पास पीली ककड़ियाँ हैं फिलहाल, हरी ककड़ियाँ सब खत्म हो चुकी हैं। तो फिलहाल अभी मैं खेत में आया हूँ हरी ककड़ी की खोज में। तो यार फिलहाल तो ये रही हरी ककड़ी जो मिल चुकी है मुझे, और ये पेड़ आप देख सकते हो ये थोड़ा मुरझा चुका है, ये पेड़ ख़त्म होने वाला है फिलहाल, मतलब एंडिंग में है ये पेड़। और एक और है ऊपर, तो फिलहाल मैं दो लेके जाऊंगा अभी हरी हरी ककड़ियाँ। तो यार ककड़ी लेके मैं पहुंच चुका हूँ घर, और यहाँ पर देखो ये है अप्पू सिंह और ये है पूजा, हेलो बोल दो। तो ये कौन है, पूजा कौन है? मम्मा है। हाँ तो ये अप्पू की मम्मी है, अभी अप्पू के पापा दिखाए थे मैंने। ये हमारे बीड़ी वाले हैं बाबा जी, तो गर्मा गर्म अभी बन रहे हैं पूरी। कैसा मज़ा आ रहा है? बुर्गे वाली कब आ रही है अभी आएंगे। भाजू 1 बजे आएंगे। 1 बजे? 1 बजे पंडित जी के जाने का टाइम हो जाता फिर। अरे वो स्कूल में काम है ना उनका। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, कोई जरूरी है। अच्छा मतलब अपनी तारीफ कर रहे हो मतलब है। और ये वाली ये तुम आयो ना इसलिए। हाँ 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 ये बेलिया वाले की कमी। यहाँ देखो कितनी सुंदर पुया बनाई है। सुंदर कहा, सोने वाली कहो ना, सोने जैसे लग रहे हैं ना। हाँ पापा तो दिखा दिया पापा को मैंने पहले। क्या कहना है पापा को? पापा को दिखा दिया पहले। अब तुम कुछ कहना चाहती हो बोलो, बोल दे। ये क्या बन रहा है? बड़ी बड़ी के लिए बड़ा, बड़ा, बड़ा बड़ी बड़ा, क्या बोलते हैं है? बड़ा, बड़ा? बड़ा ये है बड़ा। हाँ तो फिलहाल दो ककड़ी मैं लेके आया था, जिसमें से एक ककड़ी को मैंने कोर के ये रायते के लिए कम पड़ गया था, तो ये मैंने कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर पूरियाँ बनी रही हैं जैसे कि दिखाया। और ये क्या हो रहा है, ये तेल लग रहा है इसमें ताकि ये गंदा ना हो जाए ना, जल्दी साफ हो जाए, जल्दी साफ हो जाए, गंदा ना हो जाए मतलब, वही है। यहाँ पर भी कुछ हाथ वाथ धुल रहे हैं। और यहाँ पर एक दूसरा चूल्हा हमने तैयार किया है, एक वहाँ है एक यहाँ है। सो गाइस जैसे कि पहले मैंने बताया था आप लोगों की यहाँ पर गैस का यूज़ हम लोग बहुत कम करते हैं, तो सीधे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो ये चूल्हा हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो हमारी गैस की बचत हो जाती है। और सारी सब्जियाँ मुझे कट चुकी हैं, हरी मिर्ची प्याज और ये सब है उधर। तीसरी बार दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्या है, बूढ़ों का कॉल आया क्या? क्या वो कट हो गया, कट हो गया? अच्छा, करो करो बात। तो हस्बैंड का कॉल आ रखा है उनके, इसलिए तेरे को भंडारा है। हाँ यार लाल हो गई थी, कब से बैठी मैं, एक घंटा हो गया। ओ उस्ताद आओ बैठो बनाओ। तो हमारे बहुत बड़े शेफ हैं उस्ताद, नामी उस्ताद रखा है इनका हम लोगों ने। ये देखो पहले डिमांड आ गई, सब्जी बनाना सब्जी बनाना। हाँ वही तो, ये अच्छा बनाते हैं। अरे वो तो क्या तुम्हारी हुआ क्या? हाँ हो गया। तो यार अभी एक बहुत ही एंटीक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो तांबे का तौली जो कि हमारी दादी के टाइम का है। तो इसमें मैंने तेल वेल लगा दिया ताकि ये ख़राब ना हो और इसे धोने में परेशानी ना हो। तो इसमें अभी बनने वाला है राइस, जिसे बोलते हैं भात हम। अच्छा हो दादी, अच्छा हो। यह है हमारे अशोक दाई, AK-47 ही बोलते हैं इनको, तो बताऊंगा कभी कहानी आपको बाद में। फिलहाल तो अब उस्ताद आ गए हैं अभी एक्शन में। तो यार सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है, देख सकते हो आप। नहीं, उससे छोटा वाला।
ये राजमा रेड कलर की। अरे ये राजमा इधर क्या बन रहा है बन्नी जी? अरे भांग की चटनी बन रही है भाई, ये खाने में आएगा ये मजा। तुम्हारा असिस्टेंट है मेड इन भूटान। कैसे खाली मजे लेने वाले हैं खाली यार। अरे वाह मसाला बनाया मस्त लग रहा है तू। रेड मिर्ची और हल्दी। अरे बुरके वाली भौजी हैं? हाँ आ चुके हैं आप। हैं मेकअप वेकअप करके आए मतलब आज तुम? उस दिन तो मना कर रहे थे शक्ल दिखाने से, तो आप मेकअप करके भी क्या करते हो? दो बच्चे हो गए यहाँ, ये इनके हस्बैंड हैं, या दूसरी करने का विचार है? अरे हम तो कर ही लेंगे, हमको तो वैसे भी नहीं मिल रही, हम कर ही लेंगे। हेलो ऑफर मिल गया है मेरे मेरे को। अरे बात करो क्या, मैं तो कर ही रहा हूँ। क्या हुआ आज पंडित जी आ रहे हैं, आज ही कर लेते हैं क्या? हो रहा अबे सही बात है यार, बैठ बैठ के रितेजा हाँ कह रहे हो या ना कह रहे हो तुम? है हाँ क्या चाहिए यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए? सही बात सब कुछ है। धन है दौलत है और क्या चाहिए एक आदमी को? अब बताओ जरा कैसे कैसे बनाया तुमने, रेसिपी तो बताओ। मिर्ची प्याज मूली खीरा और मेन चीज तो बोला नहीं, भांग पीस के डाल रखा है। हाँ भांग नमक। अच्छा भयंकर हो रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत भयंकर हो रहा क्या? देखता हूँ। बहुत ही झगड़ा हो रहा है, मस्त। गंदा बंदा हाथ में डाल दो। कैसा गंदा बंदा? तेरे कौन से सबसे धोए हुए हाथ है भाई? खाने लग गया इतने जल्दी? पूरी तो खा लो। अरे पूरी तुम लोग तो खा लो। अरे भाई पहले पूजा तो होने देता है। तू बुर्का पहन ले, बुर्का। खाने में क्या हो गया यार? कोई हाथ हो गई यार। मैं
फिर कैसे कैसे वीडियो डाल देते हैं लोग। सर फिलहाल पंडित जी पहुंच चुके हैं ऑन टाइम, और पंडित जी की एक खासियत बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे उन्होंने 12:30 बजे का टाइम बताया था अभी, तो आज 12:30 बजे पहुंच गए। तो हम लोगों को क्या होता है ना कि जब उन्होंने 12:30 बजे का टाइम बताया तो ये हम मान के चलते हैं कि वो 1:30 बजे तक आएंगे, लेकिन आज ऑन टाइम पहुँच चुके हैं। और मिलते हैं, पूछते हैं उनसे। पंडित जी प्रणाम। अच्छा पंडित जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। जैसे ये श्राद्धों के टाइम में, जब सीजन में श्राद्ध होते हैं, अभी जैसे नवरात्रों में जैसे होता है हमारी दादी का जैसे हो रहा है, तो वो मतलब क्या क्यों होने वाला, मतलब उसके पीछे क्या हुआ? ये तो तिथि का था ना। अच्छा, ये तो तिथि का था, जिसमें पूर्ण तिथि जैसे कहते हैं, जो जिस दिन एक्सपायर होता है ना आज। अच्छा 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 अच्छा, नवरात्रि में पंचमी के दिन एक्सपायर हो डेट। अच्छा, इसी टाइम में, तो इसी दिन होता है, इसी दिन होगा। वो जो चलेंगे वो श्राद्ध जो है, वो तो कर्ण ने, राजा कर्ण ने चलाए ना, दानवीर कर्ण। अच्छा, राजा ठहराओ तो जब युद्ध में मरा महाभारत युद्ध में, वीर गति स्वर्ग मिला उसको, वहां गया तो आसन में बैठा रहा धर्मराज ने, सोना का कमरा ठहराओ। अच्छा, तो उसने कहा थोड़ी देर में भूख लगी उसको, भाई लाओ खाना पिलाओ, मैं खाना। तो यार तुमने यहाँ वो चीज मिलती है जो आपने दान कर रखा वही मिलता है, आपने अन्न दान ही नहीं कर रखा कभी। अच्छा अच्छा अच्छा, सोना दान कर रखा है, सोना आपके सामने, मुझे सोना खाता हूँ क्या, सोना तो क्या कौन खाएगा। वो धर्मराज की बात गया, महाराज मैं तो खाने, यहाँ तो ऐसे होता है जो आदमी दान करके आता है वही मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। क्या करूँ मैं, उसी समय यही अश्रौज के महीने का कृष्ण पक्ष लगा था, अश्विन मास का ना, तो इस कृष्ण पक्ष में अभी दोबारा पृथ्वी मृत्यु लोग में जाओ, यही पूरे एक पक्ष श्राद्ध का जो पूरा पक्ष होता है सोल वाला ना, सोल श्राद्ध, पूरे ब्राह्मणों को आदमी आस पड़ोस वालों को बुलाओ और उनको भंडारा खिलाओ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अन्नदान करके आओ 15 दिन 16 दिन। तो उसने यहाँ आके फिर दोबारा यहाँ आया, तो 16 दिन उसने पूरे ब्राह्मणों को पास पड़ोस के ब्राह्मणों को खिलाया, अन्नदान किया, वो किया, तब जाके वहाँ जाके तब जाके उसको वहाँ भोजन मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो श्राद्ध इसलिए ठहरा, पर्व की श्राद्ध भी कहा जाता है। अच्छा, खनी चुनी श्राद्ध यहाँ तो कोई नहीं होगा, श्राद्ध वो कौन है। चलो धन्यवाद बहुत बहुत। ये वास्तव में है यही। अच्छा अच्छा, हाँ यही होगा इसके पीछे रीजन। तो यार खाना सब रेडी हो चुका है, अब सीधे खाने की तैयारी है। तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या बना है। सबसे पहले तो ये देख सकते हो आप, ये है आपकी सब्जी, फर्स्ट क्लास टपकिया, राइस, दाल, रायता, पूरी, ये खीर, ये भांग की चटनी हरी मिर्ची के साथ। सबसे पहले हमारे बच्चे हैं अभी, और एक बच्चा कहाँ जा रहा तू, अरे बैठ यार। तो सबसे पहले बच्चों का नंबर है यहाँ पर, बनाते दिया, बना दिया हेमा जी, हर वीडियो ऐसी है हमारी। हेलो जाता हूँ, ये गुस्से में है, ये अप्पू गुस्से में है, चीटी तो हंस रही है। अप्पू के पापा क्या है? हेलो गाइस, कहते हैं अप्पू के पापा क्या है बताओ, नहीं बताओगे? हेलो गाइस, ये हमारी सबसे बड़ी जेठानी, नहीं मुझे वो है ना, हाँ ये हमारी सबसे बड़ी जेठानी है, अब ये बुढ़ी हो गई है, इनकी बारी भी आ गई है। किरण दी, लता दी, ये हमारी ये ताई जी हैं, ये मीना दी है, और जब उसे बोल रही थी इसका रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ। ये है चटनी, ये है पूरी, और ये मेरा मुंह, आसना, सीमा दी, बनी दी, कौन है ये मेरा बेटा, खाना खाने को हाँ देखा देखा।
ये है सब्जी, ये है रायता, ये है चटनी, ये है चावल, ये है दाल, ये है जो आया या सर। फिलहाल बच्चों का खाना और हमारा खाना हो चुका है। अभी पीछे देख सकते हो मेरी पूरी फैमिली है, तो बहुत लोग अभी बाहर हैं, जैसे कि हमारे बड़े भाई लोग जो जॉब करते हैं वो लोग बाहर हैं, भाभी लोग बाहर हैं, और एक ताऊजी हैं जो वो भी बाहर हैं, वो थोड़े बीमार हैं अभी, इसलिए तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को पूरी फैमिली। अरे हेलो बोल दो मैडम जी। हाय, ये हमारी भाभी, ये भी हैं हमारी भाभी, ये भी हैं, ये बुरके वाली भाभी हैं, और ये हैं हमारी जेठामा। तो जेठामा हैं मतलब ताई जी, इनका नाम डम्फू जेठामा भी है और काकी भी बोलते हैं इनको। ये भी है हमारी भाभी, उधर को जाओ, कहाँ उधर को, तो अरे तो हाँ अब दिखा तो रहे हैं इतने जवानों को। तो ये भी है हमारी भाभी, जवान जवान हाँ सभी हैं। ये है हमारे जेठामा ताई जी, और ये है आसू आसना, ये भतीजी है मेरी। हाँ अरे ये तो रोज है, रोज ये तो रोज हुए नहीं, ये तो अरुणा को भेजने ही पड़ेगा भाई, आपने देख लो अपने रोज को भाई। ये भी हमारी भाभी, और ये है पूजा हमारी बहू, और ये बन्नी दी, और कौन कौन है, और इन लोगों को तो मैंने दिखाई दिया, अब तो बासी हो गया, आप तो बीड़ी, मैं कह रहा हूँ बासी हो गया ना, सबको दिखा दिया। अमन भैया अकेले खा रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ कुछ नहीं, कुछ काम पड़ गया था इनको, इसलिए सबको खाना खिलाने के बाद और पीछे देख सकते हो आप, वहाँ गांधी जी के तीन बैठे हैं, वहाँ खाना वाना खा के धूप सेक रहे हैं। अरे पच गया नहीं, पच गया क्या ना। अच्छा रेडी है, तो मैंने कहा यार खा पी के अब तो पचाना भी तो धरा इसको, तो यार खा पी लिया सब लोगों ने, अब भाव जो लोग देख सकते हो आप, ये हमको बर्तन मारने के लिए बर्तन नहीं, मेरे 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 पीछे तो इसलिए पड़े हैं ये लोग कि हाँ देवरानी आएगी तो हैं, देवरानी आएगी तो यहाँ बर्तन धोएगी और हम वहाँ बैठेंगे, वो बैठे ना बड़े सीनियर लोग, वो लोग बैठे ना, इसलिए बेचारे देवरानी लोग यहाँ और वो कर रहे हैं, हैं बर्तन धो रहे हैं। ये नहीं मेरे पीछे तो इसलिए पड़े हो गए है ना, हाँ वही तो कह रहा हूँ, अब जेठानी बन जाओगे तो फिर तो बैठोगे मजे से। अच्छी अच्छी अबे ये धूप में बारिश हो रही है यार, तो आज सुबह से बहुत काम किया यार इन्होंने। तुमको मैन ऑफ द मैच मिलता है आज, क्या क्या लोगे मैन ऑफ द मैच में, चाय चाय नहीं, एक वो क्या होते बीड़ी का पुरुष दे दूंगा, बीड़ी का पुरुष दे दूंगा तुमको, हिंदुस्तान। चलो यार अभी अब हो चुका है पूरा फिनिश, सब खा पी चुके हैं, तो फिलहाल शूटिंग वूटिंग पूरी हो चुकी है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय, गुड बाय बोल दो, गुड बाय, बाय बाय।